मेरे प्यारे हरियाणा वासियों, भाई और बहनों, आज फिर आप सभी के सामने आने का अवसर मिला है। दिन भले नया है परंतु विषय वही पुराना, यानी कोरोना। हम देख रहे हैं कि इस कोरोना की जो महामारी है, आज से 9 महीने पहले मार्च में ये अपने देश और प्रदेश में आई थी। उस समय एक ऐसा वातावरण बना था कि जब हमने इस बीमारी को कभी सुना नहीं था, इस बीमारी से इस प्रकार से हम छुटकारा पाएंगे इसके रास्ते भी मालूम नहीं थे। तरह तरह की बातें चली, एक भय का वातावरण बना। हमारी केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने जो आह्वान किया उसके हिसाब से हमने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 इस प्रकार के कार्यक्रम किए और फिर अनलॉक इस नाते से भी हुआ। बहुत सी व्यवस्थाएं थम सी गई थी, व्यापार थम गया था, उद्योग थम गया था, रोजगार प्राय लोगों का छूट गया था। जो बाहर के प्रांतों के मजदूर भाई यहाँ थे, वो भी एक भय के कारण से अथवा अपना रोजगार छूटा, अपने अपने प्रदेशों को लौटने लगे थे। लाखों की संख्या में वो लौटे, हमने उनका सहयोग भी किया। गरीब परिवार जिनका रोजगार समाप्त हो गया था, उनको हमने भरपूर सहायता भी की। लगभग 1200 करोड़ रुपए की राशि ये हमने उनको उपलब्ध कराई थी। जिनके घर में खाने के बिलाले पड़े थे, उनको केंद्र सरकार की योजना के अनुसार मुफ्त में राशन दिया जाने लगा। जिनके राशन कार्ड नहीं थे, उनको डिस्ट्रेस राशन कूपन ये भी दिए गए। अस्पतालों में इलाज की सारी व्यवस्थाएं की गई, पर्याप्त बेड भी उपलब्ध कराए गए, टेस्टिंग शुरू हुई। ये सारे काम लगातार उस समय से अब तक चल रहे हैं। आशा करते थे कि जल्दी इसका जो प्रभाव है वो कम होगा, और एक समय ऐसा आया भी था हरियाणा में कि जितने लोग नए संक्रमित पॉजिटिव हो रहे थे, उससे ज्यादा ठीक भी होने लगे थे। और ये ठीक होने की हमारी जो गति है वो 93% तक भी पहुंची थी। लेकिन एकाएक बीच में एक साइकिल फिर बढ़ने का आया था, फिर ठीक होने का भी आया, और अब ये तीसरा चरण ऐसा अब इस समय 9 महीने के बाद हमको देखने को मिल रहा है कि फिर से कोरोना का प्रभाव ये बढ़ रहा है। जो संख्या कम होती नजर आ रही थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। प्रतिदिन 2500 से 3000 तक भी लोग हरियाणा में पॉजिटिव आने लगे हैं। ये बहुत एक चिंता की बात है। हमको लगातार 9 महीने के इस अनुभव के बाद ये ध्यान में आया है कि हमें बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत सतर्क होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें हर वो सावधानी जो हमको बताई जाती है उसको हमको करना होगा। किसी प्रकार की लापरवाही है वो हमको करनी नहीं है। यदि हम कोई भी लापरवाही करेंगे तो उसके दुष्परिणाम होंगे। हम कोई भी चाहते नहीं कि हम उसको भोगना पड़े। क्या आप चाहेंगे कि हमको टेस्ट में जा करके और टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव आ जाए? क्या आप चाहेंगे कि हमको घर छोड़ करके और अस्पताल में 15 दिन 20 दिन के लिए वहां जा करके और अस्पताल रहना पड़े, हमको ये तकलीफ सहनी पड़े? क्या आप चाहेंगे कि हमारे घर का कोई भी सदस्य वो कोरोना से पॉजिटिव आ जाए? क्या आप चाहेंगे कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी जान जो है वो गंवा बैठे? हम स्वाभाविक है, हमारा उत्तर है कि नहीं। अगर इसको नहीं चाहते हैं तो फिर हमको कुछ सावधानी बरतनी होगी। आज सावधानी बरतने के लिए हम कोरोना से अछूते कैसे रह सकते हैं? हमको मास्क के पहनने की आवश्यकता है। मास्क सब लगा करके रखें। हमको 2 गज की दूरी ये जो बताई गई है इसको सदैव बनाकर रखना है। आखिर कोरोना जब मास्क लगा करके रखेंगे तो सामने वाला अगर पॉजिटिव है तो हम प्रभावित नहीं होंगे, और ये दुर्भाग्य से हम पॉजिटिव हैं तो मास्क पहनने से कोई दूसरा पॉजिटिव ना आ सके। ये परस्पर एक दूसरे की सावधानी हमको बरतनी होगी। इसके प्रति अगर हम थोड़ा भी लापरवाही की, इन चीजों को हमने ना कर दी, तो पहले जो बताई गई चीजें हैं वो ना में नहीं वो हां में परिवर्तित हो जाएंगी। और यदि हम उनको से दूर रहना चाहते हैं, उनके प्रति ना देखना चाहते हैं कि कोई बीमार ना हो, हॉस्पिटल में ना जाए, पॉजिटिव ना हो,
हमारे बीच में से कोई अपनी जान ना गवा बैठे, उसकी ना करनी है। तो ये जो करने वाली चीजें हैं इनके प्रति हाँ करनी पड़ेगी हमको, कुछ ना कुछ अपनी औषधि, कोई अपना ये जो हमारे लिए होता है इम्यूनिटी बूस्टर, इसको इम्यूनिटी बढ़ाने के नाते से जो भी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं उनका उपयोग करना पड़ेगा। तो यदि हम उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से हम जो है इस कोरोना से बच पाएंगे। आज व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं, व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। हालांकि आज भी हम जो स्थिति हमारी है, मृत्यु दर देखा जाए तो हरियाणा की मृत्यु दर बाकी बहुत प्रदेशों से कम है। हम आज 1.01% हमारे यहाँ की मृत्यु दर है, जबकि अगर हम पास के पड़ोस के पंजाब प्रदेश को देखते हैं तो 3.2% उनके यहाँ मृत्यु दर है। हमारी रिकवरी रेट वो आज भी 90% है, वो कम नहीं है। आज हमारे टेस्ट जो हैं प्रतिदिन लगभग 35,000 टेस्ट ये प्रतिदिन हो रहे हैं। यदि हम कुल हरियाणा की आबादी को देखें तो अभी तक लगभग 12.5% लोगों का टेस्ट जो है वो हो चुका है, अर्थात 32,00,000 लोग टेस्ट हो गए हैं। पिछले दिनों में जो हमारे यहाँ सीरो टेस्ट हुआ, उस सीरो टेस्ट में भी ध्यान में आया कि 14% लोग जिनका भी टेस्ट भी नहीं हुआ तो भी वो कोरोना पॉजिटिव होकर के अपने आप नेगेटिव हो गए हैं, वो ठीक भी हो चुके हैं। ऐसी आबादी लगभग ये 35,00,000 है। तो ये अपने आप भी, यानी जो पॉजिटिव होते हैं बिना टेस्ट के, बिना पॉजिटिव, बिना हॉस्पिटल जाए हुए, वो ठीक भी हो रहे हैं और बहुत बड़ी आबादी हो गई है। अब इसमें एक एक व्यक्ति की बजाय हर परिवार में ऐसा लगता है कोई ना कोई व्यक्ति अब पॉजिटिव या तो हो गया है या इस समय पॉजिटिव होगा या होकर के ठीक हो गया होगा। क्योंकि लगभग यानी 14% आबादी का मतलब यह है हर 7 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति या तो पॉजिटिव होकर के ठीक हो गया या आज पॉजिटिव है। तो ये घर घर के अंदर पहुंच चुका है। कोई एक समय था कि हम अपने दरवाजे बंद रख करके इस कोरोना को अंदर घुसने से बचा सकते थे, लेकिन अब ऐसा रास्ता नहीं बचा है कि दरवाजे बंद करके और हम इसको बचा पाएंगे। अगर बचाना है तो फिर अपने आप को व्यक्तिगत रूप से इसको बचाना पड़ेगा। हम सरकार की ओर से प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा यानी मास्क ये उपलब्ध कराए जाए। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि अगले दिनों में 1 करोड़ मास्क ये हमको लेकर के और जनता को उपलब्ध कराने चाहिए। हमने अपील भी करनी है अपने आप को भी, अपने परिवार के लोगों को भी, अपने साथियों को भी, आते जाते सब लोगों को। मेरी तो अपील है कि 5-7 मास्क अपने जेब में रखने चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति सामने मिलता है मास्क नहीं पहना हुआ है तो बड़े प्रेम से उसको एक मास्क उपलब्ध कराना चाहिए कि भैया मास्क पहन के जाओ। क्योंकि ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि केवल दंड से ठीक हो सकता है। हाँ, दंड भी दिया जाना ये अनिवार्य इसलिए है, कुछ लोग बार बार लापरवाही करते हैं। हमने मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को ₹500 का दंड ये हमने किया है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि दिल्ली में ₹2,000 का जुर्माना हो गया, आप भी करिए। मेरा कहना है कि हमको 500 या 2000 से कोई ज्यादा अंतर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर अपील हम करेंगे, सब एक दूसरे को कहेंगे, वातावरण ऐसा बनाएंगे तो फिर लोग मास्क पहनना चालू रखेंगे। मास्क पहनना अति अनिवार्य ये हमको करना चाहिए। हमारे यहाँ पिछले दिनों में स्कूलों में हमने देखा, क्योंकि एक बहुत बड़ा दबाव हमारे शिक्षा को लेकर के ऐसा बना हुआ था कि शिक्षा में, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति शुरू की गई, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति से हर विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो सकता। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास उस प्रकार के साधन नहीं है, उन परिवारों के अंदर इतने साधन नहीं है। तो उसी में से ये ध्यान में आया कि बच्चों को स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाए, और जब स्कूल खोलने का हमने ऐलान किया, बच्चे वहाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जब उन्हें बुलाए और आते हुए उनको आने से पहले जब उनका टेस्ट लिया गया तो बड़ी संख्या में विद्यार्थी वो पॉजिटिव संक्रमित निकले, अध्यापक वो निकले, तो चिंता हो गई हमको। तुरंत हमने उसको 30 तारीख तक स्कूलों को बंद करने का ऐलान कराना पड़ा कि 30 तारीख तक नहीं करेंगे, और इसके बाद भी यदि स्कूल खोलेंगे तो उन विद्यार्थियों को जब वो घर से चलते हैं, अपने मोहल्लों से चलते हैं, वही उनका टेस्टिंग कराएंगे और टेस्टिंग करा करके उनको और तब विद्यालयों में लाएंगे, ताकि किसी विद्यालय में एक किसी छात्र के कारण से बाकी छात्रों को नुकसान ना भुगतना पड़े, ना झेलना पड़े।